के कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करके हुकूमत में बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले ये संकल्प लें कि हम उनको यहां से उतारकर गद्दी से उतारकर इंशाअल्लाह उनको हाथ जमाकर दम लेंगे। इसलिए मैंने इस इलेक्शन में सिर्फ 3 सीटें लड़ाई, चुनाव तमाम 7 सीटें में, लेकिन मैं सिर्फ 3 सीटों पर जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी इलेक्शन लड़ रहा हूं। हमने कांग्रेस से बात किया, हमने शरद पवार साहब की पार्टी से बात किया एनसीपी से, और हमने अलायंस किया 3 सीटों पर। मैं औरंगाबाद की सीट कभी लड़ता नहीं, मैं यहां कभी उम्मीदवार नहीं खड़ा करता क्योंकि मैं वो पार्टी का काम नहीं करना चाहता हूं। जैसा हमारे साथी कांग्रेस के मित्रों ने कहा, ये सच है कि आज महाराष्ट्र में एक तरफ बीजेपी और शिवसेना है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी है, इसे कोई एतराज नहीं कर सकता। हम कांग्रेस हम बीजेपी शिवसेना के साथ जा ही नहीं सकते। तो बात करते हो ना, तुम्हारे पुरखे अंग्रेजों के तरवे चाट रहे थे, तुम्हारे अंदर वो खून नहीं था कुर्बानी का, तुम लोग मुश्किल थे। ये आरएसएस के लोग पकड़े गए जेल में, उन्होंने काला पानी से चिट्ठी लिखा कि मैं कान पकड़ के अंग्रेज तुमसे माफी मांगता, हमने गलती किया जो तुम्हारी मुखालफत किया, हमें एक बार जेल से रिहा करवा दो। हम गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को इस देश में मटिया मेल कर देंगे। और आज वो लोग हमसे वफादारी के सर्टिफिकेट मांगते हैं। जब पुलिसकर्म को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। हम ये कहते हैं हमसे यह है चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। आज देश की हालत